सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, मेरे अपने ही जिला के 3 विधायकों ने रचा था मुझे कुर्सी से हटाने का षड्यंत्र। मुख्यमंत्री के अनुसार इन्हीं लोगों ने पूर्व सीएम पीके धूमल के खिलाफ भी रची थी साजिश। हमीरपुर में कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए कहा, पार्टी ने 75 साल के इतिहास में पहली बार निचले हिमाचल से बनाया मुख्यमंत्री। बतौर निर्दलीय विधायक जीतने के बावजूद रिजाइन देने वाले आशीष शर्मा को कहा बिकाऊ व घमंडी नेता। हमीरपुर हलके में तेज हुई भाजपा के शर्मा व कांग्रेस के वर्मा के बीच सियासी जंग। सीएम के गृह जिला के 5 में से 3 एमएलए ने विकास कार्य ठप पड़ने, इलेक्शन गारंटी पूरी न होने तथा संस्थान बंद करने जैसे आरोप लगाते हुए दिया था त्याग पत्र। कांग्रेस कैंडिडेट पुष्पेंद्र वर्मा के समर्थन में सीएम तो भाजपा के आशीष शर्मा के समर्थन में सांसद अनुराग ठाकुर कर रहे गांव-गांव में जनसभाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के ही 3 विधायक उन्हें कुर्सी से हटाने की साजिश रचते रहे, हालांकि उनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि शिमला जिला के 7 विधायक जहां पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं, वहीं हमीरपुर के लालजी व बिकाऊ एमएलए उन्हें सत्ता से हटाने के लिए भाजपा के साथ जा खड़े हुए। सीएम ने आरोप लगाया कि यही लोग 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके इसी जिला से संबंध रखने वाले प्रेम कुमार धूमर के खिलाफ इसी तरह की साजिश रचने में शामिल थे और इन्हीं की बदौलत विधानसभा हलका बदलने के चलते प्रोफेसर धूमल विधायक का इलेक्शन हार गए थे। मुख्यमंत्री द्वारा अपने गृह जिला के पूर्व विधायकों अथवा नेताओं पर पब्लिक मीटिंग में लगाए गए ये आरोप सोशल मीडिया पर चर्चा में है। गौरतलब है कि गत 27 फरवरी को 6 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते पार्टी कैंडिडेट एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए थे और इसके बाद स्पीकर द्वारा जहां 6 बागी एमएलए की सदस्यता रद्द की गई थी, वहीं 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने भी त्याग पत्र दे दिया था। 22 मार्च को निर्दलीय विधायकों द्वारा रेजिग्नेशन दिए जाने के बाद स्पीकर द्वारा इसे 2 माह तक एक्सेप्ट न किए जाने के चलते प्रदेश में अब फिर से 10 जुलाई को बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इसके लिए बिना जरूरत त्याग पत्र देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के 5 में से 3 एमएलए ने सीएम पर विकास कार्य रोकने, 1000 संस्थान बंद किए जाने पर इलेक्शन गारंटी पूरी न करने जैसे आरोप लगाते हुए त्याग पत्र दे दिए थे और यह मुद्दा काफी दिन तक मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। रिजाइन देने के बाद बतौर बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हमीरपुर के आशीष शर्मा के समर्थन में जहां सांसदों पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पंचायत स्तर पर अथवा गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू भी कई पंचायतों में कांग्रेस कैंडिडेट पुष्पेंद्र वर्मा के समर्थन में इसी तरह की पब्लिक मीटिंग्स कर चुके हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज अपने गृह जिला की जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस ने जहां आजादी के 75 साल बाद पहली बार निचले हिमाचल से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वहीं हिमाचल कांग्रेस की सत्ता भी 40 साल बाद किसी आम परिवार से निकले नेता को मिली। गौरतलब है कि अब तक जहां हिमाचल कांग्रेस में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का परिवारवाद चर्चाओं में रहता था, वहीं अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर द्वारा देहरा से इलेक्शन लड़े जाने के चलते परिवारवाद का व्यवस्था परिवर्तन कहा जा रहा है। बहरहाल सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा अपने ही गृह जिला के 3 पूर्व विधायकों पर लगाए गए उन्हें कुर्सी से हटाने के आरोप चर्चा में है। हालांकि रिजाइन देने वाले हमीरपुर के 5 में से 3 एमएलए इसका जिम्मेदार खुद सीएम को ठहरा रहे हैं। 75 साल के इतिहास में हमीरपुर जिला में और निचले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर हमीरपुर जिला के नदौन विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुना। 75 साल बाद, 40 साल बाद कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आया, 40 साल बाद कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आया। मैं आप जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, फिर क्या कारण है कि हमीरपुर के जिला के 3 लोग राजनीतिक षड्यंत्र से अपने जिला के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए लगे रहे। 2 के तो उपचुनाव हो गए, लेकिन इस आजाद प्रत्याशी के यहां चुनाव नहीं होना चाहिए था, वो तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर आए थे। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बजट में दूसरे में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने से मना किया, तो एक नियम है कि विधानसभा का अध्यक्ष पार्टी के उल्लंघन करने पर उनको निकाल सकता है, वो निकालेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का महोदय का फैसला भी सही है। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक ने तो आजाद चुनाव लड़ा था, वो क्यों अपने जिला के मुख्यमंत्री को हटाना चाहता था? और जिला के एमएलए
नंदलाल जी के शिमला जिला से 7 MLA आते, 7 MLA मेरे साथ खड़े रहे। हमीरपुर जिला के MLA ने क्यों ऐसी राजनीतिक सोच को बढ़ावा दिया? इससे पहले जब धूमन साहब को सुजानपुर से मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, तब भी यही लोग थे राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले। आपकी विधानसभा से हटाकर उनको सुजानपुर भेजा और घोषित मुख्यमंत्री को हराया। यही लोग आज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें हटाने की कोशिश करते हैं। 34 विधायक हमारे साथ खड़े रहे। जब हमारी सरकार को गिराने के लिए प्रयास हो रहे थे, ये हिमाचल की सीमा के बाहर बैठकर सरकार कैसे गिरे उस दृष्टि से काम कर रहे थे। और जयराम ठाकुर जी तो बार बार कह रहे थे अब इस सरकार को भगवान में नहीं बचा सकता। विधानसभा के अंदर कहा, मैं दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहा था, उसी भगवान ने हमारी सरकार भी बचाई और हमारी सरकार को 34 से 1 पंक्ति की जरूरत थी, लोगों ने 38 बनाकर 3.5 साल और मौका दिया।